Hello friends, this is Manish Srivastava. As we had started a series on MPGS Premier League, that is MPL, this is lecture number 5. एज़ यू नो हम एम पी पी एस सी की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर सिक्स पी एम डेली सीरीज़ ला रहे हैं जो कि एम पी एल के नेम से फेमस है और ये जो है आप इसमें बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं तो डेली जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस सीरीज़ को तो हम ये सीरीज़ जो है डेली कंटिन्यू करने वाले हैं और हर दिन आपको जो है दस क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जी के से जी एस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दैट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन दी एम पी पी एस सी तो इस लेक्चर्स को बहुत प्रॉपरली देखिए और आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर फाइव आज का कट ऑफ मार्क्स है सेवन मार्क्स तो लेट स्टार्ट विद लेक्चर सबसे पहला क्वेश्चन आज के एम का ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ रिवर वॉज द चेदी किंगडम सेटल्ड प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट किंगडम थी दैट इज चेदी किंगडम तो इट वॉज सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर शिप्रा रिवर चंबल रिवर बेतवा रिवर और केन रिवर यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन ए बी सी डी विच वन इज द रिवर दैट इज ऑन द बैंक ऑफ चेदी किंगडम तो डू फास्ट इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में करना है आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जल्दी करिए कि किस बैंक पे किसके किनारे पर चेदी किंगडम जो है वो सेटल्ड थी किस रिवर के किनारे पर तो ये जो है आपको बताना है क्योंकि मोस्टली जो हिस्टोरिकल जितनी भी किंगडम्स रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी रिवर के बैंक पे होती हैं तो उसके कारण जो है क्योंकि रिवर जो है हमेशा आपको वाटर प्रोवाइड करता है तो वाटर इज़ एजेंशियल क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एनी किंगडम एनी ह्यूमंस तो इन अवर एनशियंट सिविलाइजेशन और मिडाइव सिविलाइजेशन एवरी किंगडम यूज्ड टू सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तो यहां पे आपको चेदी किंगडम का बताना है कि चेदी किंगडम वॉज सेटल्ड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका केन रिवर है। तो केन रिवर के जो बैंक पे जो किंगडम सेटल थी दैट इज चेदी किंगडम तो ये आंसर याद रखेंगे केन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज इन भोपाल वॉज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर तो आपको इसका ईयर बताना है कि किस ईयर में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था तो ऑप्शन है आपके 1984 1994 1997 और 1981 तो मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन डू फास्ट इन द कमेंट सेक्शन तो जल्दी से आप जो है कमेंट सेक्शन में जाइए क्वेश्चन नंबर टू आंसर नंबर अपना लिख दीजिए लास्ट लेक्चर में जैसे आप लोगों ने कमेंट किए थे वैसे ही इस लेक्चर में भी आपको कमेंट करना है तो डू फास्ट जल्दी से इसका आंसर ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में करिए कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल को किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन एटी फोर नाइनटीन नाइनटी फोर नाइनटीन नाइनटी सेवन और नाइनटीन एटी वन करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था भोपाल कंपनी एक्ट 1913 के अंतर्गत जो है इसको एक एक सेमी गवर्नमेंट हाउसिंग कारपोरेशन है जिसको थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन एटी वन को किया गया था और इसमें जो है जो भी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर जो पुलिस एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक तरह से एक हाउसिंग फैसिलिटी है एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी है जो ये पर्टिकुलर कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है और उनको जो है आपका रेसिडेंस प्रोवाइड करता है तो ये थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन एटी वन को आपका भोपाल कंपनी एक्ट नाइनटीन थर्टी के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टूडेज एम पी एल इज वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो है इसका ईयर पूछा था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पार्क है वो कब स्टैब्लिश किया था आज के लेक्चर में हम जो है इस पे ये पूछ रहे हैं कि वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश इट इज इन पीतमपुर देवास इंदौर और मंडी द्वीप तो वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन डू फास्ट इन द कमेंट सेक्शन पीतमपुर देवास इंदौर मंडीदीप विच एवर द आंसर यू सूट जस्ट डू इन द कमेंट सेक्शन पीतमपुर देवास इंदौर मंडीदीप एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बींग सेटअप इन मध्य प्रदेश होप यू हैड ऑलरेडी कमेंट इन दमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क दट इज बिंग सेटअप इन मध्य प्रदेश इज इन पीतमपुर तो इसको पीतमपुर में सेटअप किया गया था नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज एम पी एल बॉर्न इन बड़वानी एम पी एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इनका बर्थ जो है बड़वानी में हुआ है एंड ही इज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसमें जो है इन्होंने वर्क किया है और ये जो थे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है आपको ऑप्शन जो है इसमें आर के सिन्हा है शेखर बासु एच एन सेठना और अनिल काकोटकर विच वन इज द करेक्ट आंसर यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आर के सिन्हा शेखर बासु एच एन सेठना और अनिल काकोटकर तो ये आपको बताना है कि दैट पर्सन दैट बिलोंग्स टू बरवानी एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया होप आपने आंसर कर दिया होगा द करेक्ट आंसर इज अनिल काकोटकर अनिल काकोटकर मध्य प्रदेश राज्य बड़वानी से बिलोंग करते हैं और ये ही इज़ अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश जिन्होंने भारतीय परमाणु आयोग जिसको कहा जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन रह चुके हैं इसके अलावा 1996 से 2000 के बीच में भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है उसके भी ये डायरेक्टर रहे थे और एज वेल एज ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दैट हैड टेकन अ बर्थ इन बड़वानी ऑफ मध्य प्रदेश नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टूडेज हैज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एम तो इसमें आपको बताना है कि विच पर्सनैलिटी हैड सर्व दस्ट एज अ गवर्नर ऑफ एम तो गवर्नर जो एक आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट में जैसे आपका सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का जो काम होता है सेम चीज आपकी जो है स्टेट लेवल पे गवर्नर का काम रहता है तो ऐसा कौन सा गवर्नर हुआ है जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है मध्य प्रदेश में बने रहे हैं बलराम जाखड़ राम न, नरेश यादव हरि विनायक पाटस्कर और सत्यनारायण सिन्हा यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश जल्दी से आपको उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन ऐसे गवर्नर हैं जिन्हें सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है टाइम तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं होप आप ने आंसर इसका किया होगा ए बी सी डी में जो भी आपको इसका लग रहा है तो द करेक्ट आंसर इज द हरि विनायक पाटस्कर ही वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैड टेक फ्रॉम द टेन्योर वाज 7 ईयर सेवन मंथ एंड ट्वेंटी नाइन डेज ये फोर्टीन जून नाइनटीन फिफ्टी सेवन से नाइनटीन सिक्सटी फाइव तक रहे थे इसके अलावा जो सत्यनारायण सिन्हा है ये नाइनटीन सेवेंटी वन से सेवेंटी सेवन तक रहे थे और जो इसमें अगर मैं बात करूँ जो सरोजनी नायडू थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी तो वो भी जो है 11 साल तक रही हैं वैसे मध्य प्रदेश में जो है आपको याद रखना है हरि विनायक पाटस्कर जो हैं वो लॉन्गेस्ट टर्म तक जो है गवर्नर रहे थे नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल हु अज्यूम द टाइटल ऑफ होशंग शाह किसने होशंग शाह का टाइटल अज्यूम किया था महमूद शाह ने अल्प खान ने दिलावर खान ने अधम खान ने मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिसका नाम है होशंगाबाद ये होशंगाबाद जो प्लेस है उसका नाम ये होशंग शाह पे ही पड़ा है तो ये किसका नेम था जिसने ये टाइटल एज्यूम किया था महमूद शाह अल्प खान दिलावर खान और अधम खान यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि विच पर्सन हैज़ एज्यूम द टाइटल ऑफ होशंग शाह द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करना है होप आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दिया होगा द करेक्ट आंसर ऑफ टाइटल इज अल्प खान तो अल्प खान है टाइटल ऑफ होशंग शाह मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है कवर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनको भी ये चीजें क्लियर नहीं है वो आप लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द्वेश्चन ऑफ टूडेज एम्पीएल दैट इज धार फोर्ट इज बिल्ड बाय राजा अजय पाल कीर्ति पाल मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी

और खरबूजा महल जो है ये धार फोर्ट के अंदर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इन्होंने बिल्ड कराया था इसके अलावा राजा अजयपाल जो हैं इन्होंने अजयगढ़ फोर्ट बनवाया है पन्ना के नियर इसके अलावा आपका अलाउद्दीन खिलजी मंदसौर फोर्ट के लिए फेमस है तो ये जो है आपका कीर्तिपाल पाल चंदेरी फोर्ट के लिए तो द करेक्ट आंसर धार फोर्ट इज़ बिल्ड बाय मोहम्मद तुगलक नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एट्थ क्वेश्चन ऑफ टूडेज एम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठक्कर पप्पा नेशनल अवार्ड इज़ गिवन फॉर एग्रीकल्चर सर्विस टू अफेक्टेड एंड बैकवर्ड ट्राइबल्स चिल्ड्रंस और हेल्पिंग हैंडी कैप्स यू हैव टू आंसर इन दमेंट सेक्शन ठक्कर पप्पा नेशनल अवार्ड इज गिवेन फॉर एग्रीकल्चर सर्विस टू अफेक्टेड एंड बैकवर्ड ट्राइबल्स चिल्ड्रंस और हेल्पिंग हैंडी कैप्स तो आपको आंसर करना है ए बी सी टी जो भी आपको लग रहा है द करेक्ट आंसर ऑफ ठक्का पप्पा नेशनल अवार्ड इज गिवेन फॉर सर्विस टू अफेक्टेड एंड बैकवर्ड ट्राइबल This award was started दिस अवार्ड वॉज स्टार्टेड given to social work in Adivasi community given by Madhya Pradesh government. And the prize money of this award is टू lakh rupees. तो so, काफी important question है अगर आपको नहीं पता है तो इसको note कर लेंगे इसको मैंने और भी जो awards हैं हमारे लेक्चर सीरीज में कवर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी लेक्चर सीरीज को एक बार जरूर गो थ्रू करिए उससे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे नाव वी आर मूविंग टूवर्ड दाइन्थ क्वेश्चन ऑफ टूडेज एम पी एल हु अमंग द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ कालीदास ये सभी जो लिटरेचर्स लिखे हैं यहाँ पे कालिदास के है इसमें आपको बताना है कि उनका एपिक कौन सा था जिसको महाकाव्य कहा जाता है ऋतुसहार कुमार संभवम मालविक अग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम विच अमॉ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ कालिदासुसहार कुमार संभवम मालविक अग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम आज का जो कट ऑफ है सेवन मार्क्स से मैं बता चुका हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके जो है आ, कितने टोटल मार्क्स आए हैं जब ये आप टेंथ क्वेश्चन तक जब आंसर कर लेंगे उसके बाद तो इसका आंसर जल्दी से करिए आप कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ कालीदासु सहार कुमार संभवम मालविक अग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम जिनको कालिदास जिनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था तो उनका फर्स्ट एपिक कौन सा था तो द करेक्ट आंसर इज कुमार संभवम कुमार संभवम वॉज द फर्स्ट एपिक मालविक अग्निमित्रम इज़ द फर्स्ट ड्रामा ऋतु सहार इज द फर्स्ट खांड काव्य एंड अभिज्ञान शाकुंतलम इज द लास्ट ड्रामा तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं ये सभी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं लेक्चर्स में आप उन लेक्चर्स को गोथ्रू कर सकते हैं नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टेंथ क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट ऑफ एम पी प्रोटेम स्पीकर जो मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी यमुना देवी यमुना देवी गंगा देवी या मीरा कुमार तो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन हु वाज़ द फर्स्ट वुमेन प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यमुना देवी जमुना देवी गंगा देवी और मीरा कुमार यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन डू फास्ट इन द कमेंट सेक्शन द करेक्ट आंसर इज जमुना देवी तो जमुना देवी जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रोटेम स्पीकर हैं मध्य प्रदेश स्टेट की और ये बिलोंग जो है इन बात करें तो यमुना देवी ने जो है सबसे फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर जैसे वर्क किया है तो होप इसका आंसर आपने किया होगा आज की जो सीरीज है होप आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे भी नहीं लग रहे हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच